हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम राजेश गुप्ता और मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि फ्यूचर नेट का एड पैक बाय कैसे करना है। अगर आपको बाय करना है तो आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा। आप हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए विदाउट स्किप। गुप्ता ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन बिजनेस और क्रिप्टो ट्रेडिंग की ट्रेनिंग वीडियो पाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ फ्यूचर नेट के वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, futurenet.club पे। इसका अकाउंट कैसे बनाना है, इसका साइनअप कैसे करना है, ऑलरेडी मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर उसका वीडियो मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए पहले कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है। और बनाने के बाद अब आपको इसमें तीन बिजनेस मिलता है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे थोड़ा आएंगे और यहाँ पर बैक ऑफिस, बैक ऑफिस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ तीन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, तीन बिजनेस आपको करने को मिलता है, फ्यूचर नेट, फ्यूचर एड प्रो, फ्यूचरो नेटवर्क। तो इस फ्यूचरो नेटवर्क पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इसका माइनिंग पैकेज बाय करना है तो आपको कैसे करना होगा, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में चलिए आप सीख लीजिए कि फ्यूचर एड प्रो आपको कैसे बाय करना है। अगर आप पैकेज बाय कर रहे हैं एड पैक, तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद एड पैक बाय कीजिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन वही यूजर आईडी पासवर्ड सभी जगह यूज होता है, जो आप साइनअप करते टाइम डालते हैं वही सभी बिजनेस पे यूज होगा यहाँ पे, चाहे फ्यूचर नेटवर्क हो, चाहे फ्यूचर एड प्रो हो, चाहे मैं इसका मैट्रिक्स हो, सभी जगह यूजर आईडी और पासवर्ड वही चलेगा। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट, जैसे ही लॉगिन होगा इस प्रकार का आपका ये पॉपअप आएगा, यहाँ टाइम चलेगा, ये क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 130 पैक है, मेरा 138 पैक है $50 वाला, और ये हमारा अर्निंग है $951। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक अपने डाउनलाइन का, अपने एक दोस्त का पैकेज बाय किया था, तो उसका मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, तो वही चीज हम इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और एक चीज कि इसमें दो आईडी नहीं चलता है, एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि फ्यूचर नेट में आपको दो आईडी नहीं चलता है, ओनली एक ही आईडी, पूरे फैमिली में एक आईडी, ठीक है। तो इसलिए अब चलिए मैं अपने दोस्त के अकाउंट पे जाके आपको मैं दिखाऊंगा पैकेज बाय का शुरू बाय कैसे किया जाता है, वहां पे लाइव दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं डेमो दे देता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ 00 सब दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर सब आपको 00 दिखेगा। और पैकेज बाय करने के लिए बिटकॉइन से, बिटकॉइन का वॉलेट यूज कीजिएगा, ब्लॉकचेन या कॉइनबेस, क्योंकि ये इंटरनेशनल वॉलेट, सॉरी ये इंटरनेशनल कंपनी है फ्यूचरनेट, तो इसलिए आपको इंटरनेशनल वॉलेट भी यूज करना है। इंडिया का लोकल वॉलेट जैसे जेपे हुआ, इनू कॉइन हुआ, ये सब वॉलेट आप यूज करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी फ्यूचर नेट में एड पैक बाय करने के लिए या फ्यूचर नेटवर्क का माइनिंग पैकेज है उसको बाय करने के लिए इंटरनेशनल वॉलेट का ही यूज कीजिएगा, ब्लॉकचेन या कॉइनबेस। तो चलिए अब हम इसमें बता दूं पैक आपको बाय करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बाय न्यू एड पैक $50, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखिए मेरे ऑनलाइन अकाउंट में $951 है, तो आपका 0 दिखेगा, ठीक है, आपको 0 दिखेगा यहाँ पे। तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, ये वाला ऑप्शन उन लोगों को चूज करना है जिनको डेली कमीशन आ रहा है और उस कमीशन से ही पैकेज बाय करना है, तो उनके लिए है। अब जैसे हमको पैकेज बाय करना है तो 19 एड पैक मैं बाय कर सकता हूँ अपने कमीशन वाला बैलेंस से, तो यहाँ पर डाल दूंगा जितना हमको पैकेज बाय करना होगा और बाय पर क्लिक करेंगे हमारा कमीशन वाला बैलेंस से बाय हो जाएगा। लेकिन हम पहली बार जब पहली बार आप आईडी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, नीचे वाला,
ये नीचे वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है, बाय मोर एट पैक, जो लिखा हुआ है बाय मोर एट पैक। तो यहाँ पर आपको जैसे 10 8 पैक बाय करना है तो यहाँ 10 टाइप कर दीजिए, 20 8 पैक बाय करना है तो यहाँ 20 टाइप कर दीजिए, 50 8 पैक बाय करना है तो यहाँ 50 टाइप कर दीजिए। अब जैसे हमको 55 8 पैक बाय करना है तो यहाँ 55 8 पैक यहाँ डाल देंगे, और डालने के बाद यहाँ बिटकॉइन पर टिक लगा लेंगे। ये आज बाय डिफॉल्ट यहाँ टिक लगा रहेगा, अगर टिक नहीं लगा है तो यहाँ बिटकॉइन पर आप यहाँ टिक लगा लेंगे, जैसे ये टिक लगा हुआ है। और नीचे थोड़ा जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे, ये जो बाय लिखा हुआ है नीचे, ये बाय पर क्लिक करेंगे। और बाय पर क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप आएगा, तो यहाँ ध्यान देना है थोड़ा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 मिनट तक आपको आईडी, मतलब 20 मिनट तक आपको बैक नहीं करना है, नहीं तो आपका लेस हो जाएगा। ये 20 मिनट तक आपको ओपन करके बैक नहीं आना है, ठीक है, जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक आपको नहीं बैक आना है, 20 मिनट तक आपको रुकना है। तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए ये पेमेंट अमाउंट दे दिया कि इतना डॉलर आप इन्वेस्ट कीजिए, ओके, और आपको ये अमाउंट दे दिया कि इतना अमाउंट आप अपने बिटकॉइन के वॉलेट से सेंड कीजिए इस एड्रेस पे, ठीक है, इस एड्रेस पे। तो फटाफट क्या करेंगे, दूसरे टैब में अपना ब्लॉकचेन या क्वाइन बेस फटाफट आप लॉगिन करके पहले से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं फटाक से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने फटाक से अपना क्वाइन बेस का आईडी लॉगिन कर लिया। आप पहले से लॉगिन करके रखें, ठीक है, न्यू टैब में पहले से अपना ब्लॉकचेन का या क्वाइन बेस का आईडी लॉगिन करके रखें पहले पहले से, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अंदर आपको काम कर देना है, 15 मिनट मान के चलिए, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ जैसे ही आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ गए अपना क्वाइन बेस पे, और यहाँ अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे, और सेंड पर क्लिक करने के बाद वो एड्रेस कॉपी करेंगे। जैसे ये एड्रेस हम कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, और फटाक से यहाँ पे डाल दिया कंट्रोल भी, और मिला लिया शुरू के 3F लास्ट के 6S, शुरू के 3F लास्ट के 6S। इसके बाद ये अमाउंट को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और फिर यहाँ सेंड में यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे कंट्रोल भी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नोट में आप कुछ डाल देंगे, ठीक है, नोट में डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वहां सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वहां से जब आप सेंड कर देंगे ब्लॉकचेन से या कॉइन बेस से सेंड करने के बाद, अब आपको यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, बस रिफ्रेश पे क्लिक करके आपको बैक नहीं करना है, इसी पे आपको बैठे रहिए 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठे रहिए, ठीक है, बैठे रहिए। रिफ्रेश पे एक क्लिक कर दीजिए एक बार, और यहाँ पे जो मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल लिख देगा, तब तक आपको यहाँ पे ऐसे खोल के ओपन करके रखे रहिए, 20 मिनट के अंदर हो जाता है। जैसे ही यहाँ सक्सेसफुल लिख देगा पेमेंट, तब आपको बैक जाना है, ठीक है, और रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद तब आपको, इसके बाद यहाँ जब सक्सेसफुल आ जाएगा तब आप यहाँ से पेज को बैक कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लिख दिया, ठीक है, स्टेटस यहाँ सक्सेसफुल लिख दिया है। अब आपको यहाँ से पेज को बैक करना है, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिख दिया सक्सेसफुल सक्सेसफुल, तब अब आप यहाँ से अपने पेज को बैक कीजिए। अब आप 8 पैक चेक करेंगे तो आपका बाय हो गया रहेगा, और देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो सेंड किए थे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी पेंडिंग बता रहा है, लेकिन पेमेंट पहुंच गया है, हमारा 8 पैक बाय हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा 55 8 पैक बाय हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 8 पैक बाय हो चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे बाय हो चुका है। इस तरह से आपको बाय करना है, और 50 पैक से ज्यादा बाय करने पे आपको अपग्रेड करना पड़ता है, आईडी को अपग्रेड करना पड़ता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव टू मच 8 पैक बाय अपग्रेड और यू विल लॉस मनी, मतलब यहाँ अपग्रेड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, चलिए उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ। यहाँ अपग्रेड पर आप क्लिक करेंगे, अपग्रेड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको वो पेज, जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 5 वाला
जो ये है ये हमने बाय करके रखा है, ये $16 का 1 month है, $95 का 6 month और $180 के लिए 1 year। ये अगर हम इसको अगर बाय कर लेते हैं तो हम ये टीम से कमीशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 8% फर्स्ट लेवल से यानी, और सेकेंड लेवल से 4% यानी टोटल 15% ये हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है कमीशन। मतलब हम लोगों को बताएंगे इस फ्यूचरनेट के बारे में, फ्यूचरनेट प्रो के बारे में हम बताएंगे लोगों को ये पैकेज बाय करवाएंगे, उनको भी बिजनेस ये दिलवाएंगे तो उसका कमीशन हमको ये मिलेगा 15%। अगर हम किसी को नहीं बताते हैं, किसी को नहीं ज्वाइनिंग कराते हैं, ओनली हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके, आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं ओनली अपने पैसे से इन्वेस्ट करके, तो हमें ये वाले ऑप्शन को लेना कोई जरूरी नहीं है। आप देख लीजिए कि आपका 8 पैक आप कितना बाय कर रहे हैं, 100 8 पैक बाय कर रहे हैं कि 300 8 पैक बाय कर रहे हैं कि 500 कि 1,000, जो आप बाय कर रहे हैं वो आप इस यहाँ से बाय कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 50 55 8 पैक बाय, तो हम क्या करेंगे, ये $16 वाला 6 month के लिए अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है, $16 वाला 6 month के लिए अपग्रेड कर लेंगे ताकि हमको पूरा कमीशन आता रहेगा, ठीक है, ये ऑप्शन है। और 100 8 पैक से भी ज़्यादा बाय करना चाहते हैं, जैसे 300 8 पैक तक लिमिट, ये लिमिट दिया हुआ है कि आप जो अपग्रेड करके रखेंगे उससे ज़्यादा आप पैकेज बाय नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अब हम 50 8 पैक से ज़्यादा बाय किए हैं, 55 है ना, तो 55, और तो 50 से 308 पैक के लिए हमको ये अपग्रेड करना जरूरी है, जैसे $8 का 1 month के लिए, $45 का 6 month के लिए, ठीक है, तो ये अपग्रेड करना जरूरी है, ये हम जो कमीशन आएगा डेली बाई उसे भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा 8 पैक हम बाय करना चाहते हैं, जैसे मेरा टारगेट है कि मैं 1,000 8 पैक लेके जाऊंगा, 1,000 8 पैक करके मतलब पहुंचाऊंगा अपने अकाउंट को, तो मैंने ये पहले से पांचवा वाला मैंने पैकेज को अपग्रेड कर लिया हूँ और हमको टीम से भी ये 15% टीम से भी कमीशन आता है। तो अगर आप टीम बना के काम करना चाहते हैं तो ये वाला पैकेज आप अपग्रेड कर लीजिए, अगर टीम बना के नहीं काम करना चाहते हैं तो फिर जो आप 8 पैक बाय कर रहे हैं 100 या 300 या 50, 50 तक तो फ्री है, 50 8 पैक तक आपको अपग्रेड कराने का कोई जरूरी नहीं है, अगर टीम नहीं बना के काम करना चाहते हैं तो। अगर वही आप चाह रहे हैं कि नहीं हम 1 8 पैक बाय करके टीम बना के अपना अकाउंट को बिल करें, तो यहाँ 1 8 पैक बाय करके और ये अपग्रेड कर लीजिए अपना आईडी को, $16 से या $95 से 6 month के लिए या 1 month के लिए $16 का अपग्रेड कर लीजिए, ताकि आप टीम बनाएंगे तो टीम से आपको 8% 4% टोटल 15% आपको कमीशन आएगा, उससे भी आप पैकेज बाय कर सकते हैं, जो कमीशन का आएगा पैसा उससे भी आप अपना आईडी पैकेज बाय कर सकते हैं, 8 पैक बाय कर सकते हैं, उससे भी अपना फ्यूचर 8 प्रो का अकाउंट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इसमें काम क्या करना होता है, मेन बात आता है यहाँ पे कि इसमें काम क्या करना है। काम अब आपको कुछ नहीं करना है, 8 पैक कैसे बाय करना है वो तो आप सीख लिए, और इसमें काम क्या करना होता है, वॉच एड पर क्लिक करेंगे, यहाँ वॉच एड जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप वॉच एड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 10 एड क्लिक करना होता है, 10 एड वॉच करना होता है, तो यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये जो ग्रीन कलर का लाइन चल रहा है, ग्रीन कलर का लाइन, ये पूरा होने तक हम यहाँ पे रुकेंगे, इस तरह से देखिए लाइन पूरा हो गया, फिर नेक्स्ट एड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमने 3 एड पे एड देख लिया हूँ, फिर अब चौथा एड देखने के लिए फिर ओपन पर हम क्लिक करेंगे, फिर ये एंड हो गया, फिर नेक्स्ट एड पर हम क्लिक करेंगे, इसी तरह हमको 10 एड देख लेना है, जैसे यहाँ 4 दिख रहा है, 4 अभी क्लिक किए हैं, यानी हमको अभी 6 और एड देखना है। इस तरह से आपको 10 के 10 एड आपको देख लेना है, ठीक है, 10 के 10 एड देख लेना है, इस तरह का आपका एड आएगा और इस एड को देख लेना है। जैसे ये ग्रीन लाइन पूरा एंड हो गया, फिर नेक्स्ट एड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने 6 देख लिया, अभी 4 और क्लिक करना है, ये देख लीजिए हमने 9 एड देख लिया, ठीक है, अब लास्ट एक और देखना है, तो ओपन पर यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट एड पर क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ पर जीरो हो गया, मतलब हमने योर आर क्वालिफाई टू इतना, मतलब ये नेक्स्ट डेट दे देगा। अब 24 घंटा में एक बार, बस यही आपको काम है कि आईडी ओपन कीजिए, 10 एड वॉच कर लीजिए, बस आपका काम खत्म। इसके बाद आप बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, ये मोबाइल में भी आप काम कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर में, और नेट में अच्छा मोबाइल होना चाहिए, तो आप अपने मोबाइल में भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अब उसको आप बंद कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपको कमीशन आता रहेगा, कुछ भी आप काम कीजिए वो आपको कमीशन यहाँ से अब आता रहेगा, ठीक है। ओनली आपको 24 घंटा में एक बार ओपन करके आईडी को ये 10 एड क्लिक कर लेना है। ओके, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएं और जानकारी ले पाएं। आप फ्यूचरनेट में काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर करें, ताकि वो लोग कुछ सीख पाएं। और अगर आप न्यू मेहमान हैं, हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लीजिएगा क्विक अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।